त्यांनी त्या महिलांना तिथून पर्यटकांना आणायचं, इथे सोडायचं आणि परत तिकडे जाऊन सोडायचं. मग अशा पद्धतीने जर महिलांचा विकास होत असेल तर आपण जोरदार टाळ्या वाजून मोदी सरकारचं कौतुक करूया. आणि मी माझा थांबलेला वेळ असं पासून थांबवते आणि आदरणीय आमचे मदन भाईंना मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करते. धन्यवाद. पत्रिकेत बदल केला, बदल करताना हळूच माझ्या कानात सांगितलं की 5 मिनिटं तुम्ही, त्यामुळे तिने माझी मुदत बांधून दिली की मी 5 मिनिटं बोलू आणि नंतर सन्मान करूया असं सांगितलं. त्यामुळे ज्यांचा सन्मान व्हायचा आहे ज्या कार्यक्रमासाठी आज आपण इथे एकत्र आलोय, सर्वप्रथम शक्तिवंदन कार्यशाळा म्हणजे ही बचत गटची मोहीम काही आपल्याला नवीन आहे, पण ज्या पद्धतीने मोदीजींचं सरकार आणि आता आपलं महाराष्ट्राचं सरकार हे बचत गटाच्या माध्यमाने महिला सक्षमीकरणाचं काम करत आहे, त्याच्यामध्ये आता हे जाळं विस्तृत करायचं आणि नवीन ज्या काही महिला बचत गट असतील किंवा या नेटमध्ये नसतील त्या सगळ्यांना का सामावून घ्यायचंय, तर मी इथे योजनाताईंचे मार्गदर्शनमध्ये शब्द ऐकत होतो की विद्युत दीदी, पाणी दीदी, ड्रोन दीदी, योजनेत एक महत्वाचा मुद्दा तुम्ही विसरला. माननीय मोदीजींनी शेवटच्या 3-4 भाषणामध्ये प्रत्येक वेळेस सांगितलं की मोदीजींचं लक्ष आहे 3 करोड लखपती दीदी करायचे. आज हमारे ईशान्य मुंबई जिला की शक्तिवंदन कार्यशाला जी, मोदी जी का शक्तिवंदन अभियान शुरू है जो महिला बचत गट के लिए है, एनजीओ के लिए है, उसकी ये कार्यशाला थी बहुत अच्छी हो गई. हमारे ईशान्य मुंबई के लोकप्रिय खासदार आदरणीय मनोज कोटक जी, इनके नेतृत्व में ये कार्यशाला हुई है. हम बहुत तहे दिल से खुश है कि हमारी जो लखपति दीदी का सपना है मोदी जी का, 2 लाख लखपति दीदी से लेके 2 करोड़ लखपति दीदी से लेके 3 करोड़ तक वो लेके गए हैं और इसके माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनके स्वयं सहायता बचत गट को उनको रोजगार मिलेगा. तो 9 करोड़ महिला मोदी जी के साथ जुड़ जाएंगी, इसका हम लोग अभिनंदन करते हैं. ये जो महिलाएं हैं हमारी ईशान्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा से आई थी, उनको मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत सारे लाभ मिले हैं. हम उनका इंटरव्यू भी लिए हैं, वीडियो भी ले लिए हैं कि उन्होंने अपने पैरों पे खड़े हो गए, उनको अच्छे खासे रोजगार मिल रहा है. महिलाओं ने मोदी जी का बहुत ज़्यादा कौतुक किया है, सम्मान किया है. वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में कि आश्वासन देने की जरूरत नहीं. उन्होंने तो हर जो भी कार्यकर्ता आता है उनके पास काम लेके उनका काम ही होता है, ऐसा हमारे लाडले खासदार इन्होंने सब काम करने के प्रयास किया है. धन्यवाद. देतील ना, माझं काय काम आहे. सर, आज आप मुख्य अतिथी रहे और यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम. मोदी जी ने जो संकल्पना रखी है लखपति दीदी बनाने की, ईशान्य मुंबई मतदार संघ के सभी महिला बचत गट को साथ में लाकर इस अभियान के अंदर महिला सक्षमीकरण के अभियान में पूरी तरीके से ये जुड़े और मोदी जी की जो संकल्पना है इनको आर्थिक सक्षमीकरण करने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई अपने सहयोग देना चाहती है.